सभी एनएम बहनों को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हैं हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, क्योंकि नाइट में ही हम आपको बताए थे जो हम सही सही आपको जानकारी देंगे, बट सोशल मीडिया पर लोग आपको गलत जानकारी देंगे। अब सुबह से लेकर अभी तक लगभग 500 हमारी एनएम बहनों को मेरे पास कॉल आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीसी एनएम 10709 केस अपडेट। आखिर कल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, यह जजमेंट बीटीसी एनएम 10709 केस में क्यों नहीं लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी एनएम 10709 केस की सुनवाई 11 नवंबर को होगी या 25 नवंबर को, जल्दी से जाने पूरी जानकारी। इधर देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। हम बोले थे राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति मामले में ये आदेश जारी किया गया है। इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों इसमें हर चीज लिखा हुआ है, पूरे पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें हम आपको डिटेल्स में बता भी दिए, ठीक है। तो देखिए, सुप्रीम फैसला, राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति मामले में आदेश, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते, हर चीज लिखा हुआ है। अब देखिए सोशल मीडिया पे लोग क्या बोल रहे हैं, पता है सोशल मीडिया पर कह रहे हैं नहीं, ये जजमेंट बीटीसी एनएम 10709 में लागू नहीं होगी, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और इसको हम आपको समझा दिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों एक बात हमको बताइए, कल हम आपको नाइट में भी क्लियर किए थे, हर चीज किए थे, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश के बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया है। तो बताइए मुख्य न्यायाधीश के बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है तो कौन इसको बदल सकता है, हमको ये बताइए। हम आपको क्या बोले, लोग अपने बचाव में कहेगा ये जो है दूसरे केस में जो है ये जजमेंट दिया गया है, ये जजमेंट आपको बीटीसी एनएम 10709 में नहीं लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं लोग अपना बचाव के लिए कुछ भी आपको सोशल मीडिया पर बोलेगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है, नहीं टेंशन लेना। देखिए कोर्ट में जो भी फैसला होती है ना, जो भी जजमेंट आता है वह एक नियम बन जाता है, ठीक है। जैसे ये कल फैसला हुआ तो एक नियम बन गया और बीटीसी एएनएम 10709 में ये हम लोग जजमेंट लगाने वाले हैं, समझे कि नहीं। और ये भी हम आपको बताए थे, एक चीज और हम आपको बताए थे, याद होना चाहिए नाइट में, ये आप लोग भूल गए होंगे, वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं क्या बताए थे। तो देखिए लोग कितना जो है अपने में सफाई देगा, हम आपको बताए थे जो चीफ जस्टिस के बेंच में हम लोग की केस की सुनवाई होती है वही चीफ जस्टिस सर कल फैसला दिए। देख लीजिए यहाँ पे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीएस नरसिम्हा। अब बताइए एक बात, आप हमको बताइए जो आपको बोल रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, एक बात आप हमको बताइए, क्या पंकज मित्तल सर और पीएस नरसिम्हा सर जो कल जजमेंट दिए हैं और हम लोग को जो केस के देखते हैं तो भली भांति समझ रहे हैं हम लोग के केस में क्या प्रक्रिया बीच में चेंज किया गया, हटी किया गया, ठीक है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, ये जजमेंट जो कल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग अपने तरफ से, ठीक है, बीटीसी एएनएम 10709 में लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो वकील साहब है वही वकील साहब ये जजमेंट भेजे थे, समझे कि नहीं। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। कल तो कम आपको सोशल मीडिया पर लोग बलगलाया, कल आपको कम लोग सोशल मीडिया पर आया, आज से देखिएगा इस जजमेंट को लेके सोशल मीडिया पर लोग जो है क्या क्या अपने तर्क देंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं 32,127 एनएम बहनों को, 32,127 एनएम बहनों को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, 100% नहीं, हम हमेशा कहते हैं 200% जो है 32,127 एनएम बहनों को सुप्रीम कोर्ट से जीत हो रही है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, जिसको जो बोलना है जिसको जो करना है करने दीजिए, जिसको जो बताना है बताने दीजिए, क्योंकि जो भी वह हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट, जो जजमेंट एक बार दे दिया जाता है ना वह एक कानून बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए और देख लीजिए हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के बेंच के द्वारा कल ये फैसला दिया गया, इसीलिए जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं।
100% ये हम लोग जजमेंट लगाने वाले हैं, और ये 100% जजमेंट हम लोग के केस में काम करेगी, समझे कि नहीं। और हमारे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पी एस नरसिम्हा, ठीक है, जो कल फैसला दिए हैं मुख्य न्यायाधीश के बेंच में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। कोर्ट नंबर 15 में हम लोग की केस की सुनवाई होती है, और इन्हीं दोनों जज के बेंच में हम लोग की केस की सुनवाई होती है, फिर टेंशन क्या लेना है, किस बात का टेंशन, थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। चलिए अब हम लोग एक बात और बताते हैं आपको, ठीक है, एक सवाल और हमारी यानी बहनों के द्वारा पूछा जा रहा है, वो सवाल ये है, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी एनएम 10/709 केस की सुनवाई 11 नवंबर को होगी या 25 नवंबर को होगी, ये सवाल हमारी यानी बहन के द्वारा पूछा जा रहा है, सर 11 को सुनवाई होगी या 25 को सुनवाई होगी। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको चेक करके बता रहे हैं। बाईस हजार सात सौ तीस, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, जहां हम हैं वहां पे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो मेन केस है अंजलि कुमारी का, ठीक है, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी मेन केस यही है, इसमें आपको टेंटेटिव डेट देखिए 11/11/2024 दे रहा है। अगर केस की लिस्टिंग जैसे आज शुक्रवार हो गया, कोर्ट बंद नहीं है, ठीक है, छठ पूजा में कोई कोर्ट बंद नहीं था, आज शुक्रवार हो गया, कल शनिवार, ठीक है, तो अगर आज और कल में केस लिस्टिंग हो जाती है, मतलब आज और कल में, मतलब शनिवार तक अगर केस लिस्टिंग हो जाती है, समझे, तो आपको 11 को सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि आज मतलब 8 आपको नवंबर हो गया, आज शुक्रवार है, ठीक है, फिर कल आपको जो है 9 हो जाएगा शनिवार, 10 के संडे है और 11 का मंडे, ठीक है, अगर आज और कल में, मतलब आज और कल में अगर इस केस की लिस्टिंग होती है तब आपको 11 को सुनवाई हो जाएगी, अगर आज और कल में ये केस की लिस्टिंग नहीं होती है तब ये फिर से आपको जो है 25 नवंबर है को सुनवाई होगी, समझे, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है, ये टेंटेटिव डेट है, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ये टेंटेटिव डेट है, मतलब संभावित तिथि है, सुनवाई हो भी सकती है, सुनवाई नहीं भी हो सकती है, इसीलिए अगर ये दो दिन में, मतलब आज और कल में अगर केस की लिस्टिंग होती है तो सुनवाई आपको 11 को हो जाएगा, अगर नहीं आज और कल में केस की लिस्टिंग नहीं होती है तो 25 नंबर को सुनवाई हो, ठीक है, क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको, आप लोग के लिए एक और चीज हम आपको बता रहे हैं, जो नाइट आप लोग डिमांड किए थे, मांग किए थे, दोस्तों अभी ऑफर अभी बढ़ा दिया, आपको पता होना चाहिए, जो कि 7 नवंबर तक ही ऑफर था, अब इसको जो है 10 नवंबर कर दिया गया, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था, इसीलिए ठीक है बच्चों को डिमांड पर ये कर दिया गया है। तो 32,127 एनएम ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, 80, 51, 30, 57, 35, ठीक है, इसी पे आपको 399 करना है, कितना करना है 399, गूगल पे या पेटीएम से करना है, गूगल पे या पेटीएम से करना है, और सभी लोग क्लास ले लीजिए फटाफट, समझे, ये आपको 10 नवंबर तक ये ऑफर रहेगी, ठीक है, 11 नवंबर से आपको ये 599 हो जाएगी, इसीलिए सभी लोग अभी इसका जो है लाभ उठाइए और ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं, तो हमारे एनएम, ठीक है, एनएम, जीएनएम, ठीक है, लाइव टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी, ड्रेसर, एजीसी और सीएचएसओ, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सीएचएसओ को भी काट भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सभी लोग फटाफट ले लीजिए बैच, समझे, अभी ऑफर चल रही है, इसका लाभ उठाइए सभी लोग, समझे, सभी लोग इसका लाभ उठाइए, 399 मिल रही है, कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया है, ठीक है, इसीलिए उसी को जो है खुशी में हम आपको 3 दिन बढ़ा दिए, समझे, तो सभी लोग इसका लाभ उठाइए और फटाफट क्लास परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगी, छठ पूजा समाप्त हो चुकी है, ठीक है, छठ पूजा समाप्त हो चुकी है और कल छठी मैया 32,127 अन्य बहनों को दर्द को हर लिए, बस आप लोग अब अपना कर्तव्य कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है, क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समझे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत है। 80, 51, 30, 57, 35, यही मेरा गूगल पे या पेटीएम से आपको पेमेंट करना है, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, पेमेंट के स्क्रीनशॉट
भेज देंगे और टोटल अभी 1200 प्रश्न हम आपको पढ़ा दिए, इतना 1200 अभी हम आपको प्रश्न पढ़ा दिए। जैसे ही पेमेंट आपको कीजिएगा तो 1200 हम आपको क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। अभी ऐप नहीं बनी है, जब ऐप बनेगा तो सभी जो हमारी यानी बहन ले लिए हैं क्लास सभी को ऐप पर ले लिया जाएगा, समझे। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आज 12 बजे क्लास नहीं होगी, नाइट में क्लास होगी, ठीक है। तो पूरी जानकारी बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर चेक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही BTSC NM 10709 केस के बारे में कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।